हेलो एवरीवन, हेलो, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। और काफ़ी दिनों के बाद डिसाइड करने के बाद आज मेरा ये पहला ब्लॉग मैं बनाने जा रहा हूँ। आरबी ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और थोड़ा सा नर्वस भी हूँ कि क्या बोलूँ, क्या बताऊँ और क्या कहूँ, लेकिन खुश भी हूँ कि मेरा पहला ब्लॉग है और इसे ले कर आया हूँ मैं। काफ़ी सारा सोचा था मैंने कि मैं ये बताऊंगा, ये बोलूंगा, लेकिन कैमरे के सामने आने के बाद सारी चीज़ें माइंड से गायब हो गई हैं। लेकिन कैमरे को बंद नहीं करना है, आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी हैं। काफ़ी दिनों से विचार था कि मैं ब्लॉग बनाऊं, काफ़ी सारे ब्लॉग्स मैंने देखे थे और अभी कुछ दिनों से, दो चार दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं भी ब्लॉग बनाऊँ और फाइनली मैं अभी शाम को ये ब्लॉग बना रहा हूँ। सुबह भी ट्राई करता रहा। ये आप जो देख पा रहे हैं ये फील्ड है, ग्राउंड है, यहाँ पे हम लोग रनिंग करते थे। दरअसल आज का जो ये ब्लॉग है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज के इस ब्लॉग में मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह मैंने एमपी पुलिस फिजिकल की तैयारी की और किस तरह से आपको भी करना चाहिए ताकि आप उसमें सफल हो सकें। तो यहाँ पे ये ग्राउंड्स में काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ, लगभग 7-8 साल हो गए हैं और यहाँ पे मैं अपने दोस्तों के साथ आता रहा हूँ और इस धरती से एक तरह से मुझे काफ़ी लगाव है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है, काफ़ी अच्छा लगता है और मतलब यदि मैं बाहर टाइम काटना चाहूँ तो मुझे यहीं पर टाइम अपना काटना बिताना अच्छा लगता है और काफ़ी मतलब बहुत अच्छा फील होता है। मैं आपको दिखाऊँगा कि कहाँ पे हम लोग जंप करते थे, है ना, कूदना, लंबी कूद जो होती है ना, तो आप उसको मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये वो कूद है, मतलब कूदने वाला स्थान है जहाँ पे हम लोगों ने खोदा था इसको और यहाँ पे हम लोग जंप करते हैं। ये आप देख सकते हैं, है ना, जंप के निशान भी बने हुए हैं। काफ़ी मेहनत की थी यहाँ पर, काफ़ी तैयारी की है ना। और आपको वो भी दिखाऊँगा जहाँ पर हम लोग, जहाँ हम लोग रनिंग करते हैं वो आगे आप चलेंगे तो चलिए हम लोग वहां पे चलते हैं। ओके, आ चुके हैं जहां पे हमको रनिंग, जहां हम रनिंग करते थे। और ये रास्ता काफ़ी लंबा है, काफ़ी दूर तक जाता है, काफ़ी जंगल के अंदर तक जाता है। कि ये रास्ता आप देख सकते हैं काफ़ी दूर तक गया हुआ है और लगभग 3-4 किलोमीटर कभी कभी रनिंग करते थे। और एक बार तो ऐसा हुआ कि हम लोगों ने 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर आना, इस तरह की रनिंग की। तो एमपी पुलिस जो है बहुत ज़्यादा इजी है, पेपर भी ठीक ठाक होता है। यदि आप 10th तक की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं मैथ्स की तो आपकी मैथ्स सॉल्व हो जाती है। उसके बाद आप यदि थोड़ा सा रीजनिंग पढ़ लिए है ना तो पेपर इजी होता है, लेकिन फिज़िकल की तैयारी करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करना पड़ता है, वो कंटिन्यू रनिंग करना पड़ता है। मैंने खुद 1 साल लगभग रनिंग की, उसके बाद कहीं जा के मेरा फिज़िकल निकला था। यहाँ तक कि मैं शाम को और सुबह दोनों टाइम पे रनिंग करने के लिए आता था और एक टाइमिंग जो होती है कि 2:50 में आपको 800 मीटर दौड़ना है वो मैं दौड़ता था। और साथ ही मतलब गोला फेंकने का भी मतलब काफ़ी प्रैक्टिस करता था। ठंडी का समय था और कान गल जाते थे, आँखें दिक्कत होती थी, लेकिन फिर भी मैंने कंटिन्यू यहाँ पे मैं सुबह शाम आता रहा और रनिंग करता था। गोला फेंकना और साथ ही जंप करना, तो ये काफ़ी सारी मेहनत करने के बाद मेरा फिजिकल हुआ था। लेकिन बाई गॉड तो नहीं कह सकते हैं, किस्मत ही कह सकते हैं कि मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया और मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। जहाँ मैंने रनिंग की, जहाँ मैंने तैयारी की, और ये सारा जंगल का एरिया है, यहाँ पे वैसे जंगली जानवर नहीं है, है ना, फिर भी डाउट रहता है कहीं आ ना जाए। तो मैं आपको वो एरिया लेके चलता हूँ जहाँ पे हम लोग पहले जंप किया करते थे, है ना। और वो एरिया हमने बनाया था, काफ़ी मतलब कुछ लड़कियाँ भी कभी कभी आती थी जंप करने के लिए और लड़कों का जो ग्रुप था 5-6 लोगों का वो लोग भी आते थे। और फिर उनमें से 2-3 लोग सेलेक्ट हुए थे और लड़कियों में 2 सेलेक्ट हुई थी और दोनों का सिलेक्शन भी हो चुका है। लड़कों में मैं सेलेक्ट हुआ था और एक और लड़का, तो मेरा फिजिकल निकल गया था लेकिन उसका फिजिकल नहीं निकला था तो वो फिर उसका नहीं हुआ और मैं मेरिट लिस्ट में मेरा नहीं हो पाया।
तो आज का जो ये ब्लॉग है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सारी बातें करनी है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा बोलना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा डर भी है, नर्वस भी है, क्या बोलूँ, क्या बताऊँ, आपसे क्या बात करूँ। तो चलिए पहले हम यहाँ पे शुरू करते थे कभी, और यहाँ पे मैं गोला फेंका करता था। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं चिकना देख रहे हैं, यहाँ पे गोला फेंकता था, और हमने यहीं पे जंप करने का भी अड्डा बनाया था इधर, है ना। तो वो अड्डा गायब हो चुका है, वो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी इट्स बेटर। ये वो अड्डा है, ये पूरा जंगल से लगा हुआ इलाका है, काफ़ी सारे पेड़ थे यहाँ पे, लेकिन अभी काफ़ी सारे कट चुके हैं। ओके, ओवरऑल हम इस अड्डे पे पहुँच चुके हैं और ये अड्डा काफ़ी सुकून भरा है, काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा फील होता है यहाँ पे आके। काफ़ी सारी यादें जुड़ी हैं, जब आप किसी एक स्थान पे काफ़ी टाइम तक रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी यादें वहाँ पे रहती हैं, और आप उससे इतना जुड़ जाते हैं कि जब कभी भी टाइम मिलता है आपको और वहाँ पे पहुँचते हैं तो आपको काफ़ी सुकून मिलता है, काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक वैसा ही मुझे कितना अच्छा लगता है जब हम उस जगह पे फिर चले जाते हैं जहाँ से हम कभी जुड़े थे, क्योंकि हमारी यादें वहाँ पे रहती हैं, हमारा अतीत वहाँ पे रहता है। लगता है पंछियों को देखें, आसमान को देखें, पेड़ों को देखें, उस वातावरण को देखें, उस जगह को छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। लगता है यहीं पे रुक जाए, यहीं पे बैठ जाए, वो सामने कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सबको देखें, सबसे बात करें, सबके साथ रहें, इधर उधर जाएं। तो फाइनली मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता दिया कि मैंने किस तरह से फिज़िकल की तैयारी की थी, पुलिस फिज़िकल की। आज के ब्लॉग्स में मैंने काफ़ी कुछ सोचा था कि मैं आपसे ये बताऊंगा, वो बताऊंगा, और सारा माइंड से गायब हो चुका है, लेकिन जो भी जितना कुछ समझ में आया मैंने आपको बताया, आपको शेयर किया है कि फ़िज़िकल निकालने के लिए आपको एक कंटिन्यू रूटीन चाहिए, आपको कंटिन्यू रनिंग करना है कंटिन्यू। और मैंने तो जो रनिंग की थी उसमें मैं मोटिवेशनल सॉन्ग भी सुनता हुआ दौड़ता था। तो जब मैं वहाँ फील्ड में रनिंग कर रहा था, कहाँ पे जब मेरा फिज़िकल हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा साउंड मेरे बगल में ही चल रहा है, और काफ़ी मोटिवेशन वाले सॉन्ग थे वो, तो काफ़ी मोटिवेशन भी मिलता था। और इस तरह से मैंने फिज़िकल निकाला। मतलब आप जब रनिंग करते हैं तो आपको अपनी सांसों पे बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा बैलेंस सांस आप जल्दी जल्दी लेंगे तो आपकी रनिंग रुक जाएगी। तो आपको सांसों पे बैलेंस करना है, आपको कंटिन्यू रनिंग करना है, कंटिन्यू गोला फेंकना है, कंटिन्यू जंप करना है। जंप शुरू में थोड़ा सा कम आती है, लेकिन जब आप कंटिन्यू करते हैं तो आपकी जंप बढ़ जाती है। ऐसे ही आपको गोला फेंकने में भी, आप गोला फेंकेंगे शुरू में तो बहुत दूर जाएगा, लेकिन फिर कम हो जाएगा। और मेरा पहला ब्लॉग कैसा रहा मुझे तो नहीं पता, आप ही कमेंट के थ्रू मेरे को बता सकते हैं कि मेरा ये ब्लॉग कैसा रहा, आपको कैसा लगा। और आपका प्यार, आपका सपोर्ट मस्ट है, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट के बिना मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं तो एक न्यू ब्लॉगर हूँ, मुझे पता भी नहीं है कैसे क्या बनाते हैं, बस सोचा कि मुझे बनाना है और इस टॉपिक पे बनाना है। तो मैं आपको कितना समझा पाया ये भी मुझे नहीं पता है, लेकिन आप कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा कि ये ब्लॉग कैसा बना, क्या आपको इससे कुछ बेनिफिट हुआ, तो ये भी बताइएगा। अभी हम लोग चलते हैं उसी ग्राउंड पे जहाँ से मैं आपको लेके आया। ओके, फाइनली हम अपने ग्राउंड पहुँच चुके हैं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपना सपोर्ट, अपना प्यार मुझे दीजिएगा। और ओके, और काफ़ी कुछ बोलना चाहता हूँ लेकिन क्या बोलूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।